हिंदुस्तान में क्रिकेट एक धर्म की तरह है और जब भी इंडियन टीम से कोई खिलाड़ी पदार्पण करता है, डेब्यू करता है, तो उसके लिए बड़ी गर्व की बात होती है। ऐसे में 38 साल के विपुल शर्मा, जो कि आईपीएल में आपको अक्सर हैदराबाद की टीम से खेलते हुए नजर आए थे, पंजाब जो कि फिलहाल पंजाब किंग्स है लेकिन उस जमाने में किंग्स इलेवन पंजाब होती थी, उससे ये खिलाड़ी खेलता था, लेकिन अब भारत खेलने का जो सपना था विपुल शर्मा का वो पूरा नहीं हो सका है और 38 साल की उम्र में वो अमेरिका जा रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है क्योंकि बीते कुछ महीनों में हमने देखा है कि जितने भी अंडर 19 के सितारे थे, चाहे वो चंद हो जो कि कप्तान थे टीम के 2012 में जो हम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते, उसी टीम के सदस्य हरमीत सिंह थे, स्मिथ पटेल थे, ये सभी खिलाड़ी अब रुख कर रहे हैं बाहर की लीग्स का, यानी अमेरिका में जो क्रिकेटिंग लीग्स हैं, माइनर और मेजर क्रिकेट लीग है, वहाँ पर खिलाड़ी जा रहे हैं। और अब जो सामने आ रहा है कि विपुल शर्मा जो कि सनराइजर हैदराबाद की टीम से 2016 की अगर मैं बात करूं आईपीएल फाइनल की, तो उसमें एबी डिविलियर्स का इन्होंने विकेट लिया था और बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे थे और भारत से खेलने का सपना इनका ज़रूर था, लेकिन अब 25 साल का जो इनका ओवरऑल करियर रहा, एक इमोशनल पोस्ट इन्होंने ज़रूर सोशल मीडिया पे शेयर किया कि अब जो है मैं बाहर खेलने जाऊंगा और अमेजिंग जर्नी रही है। लेकिन विपुल शर्मा के लिए आपको देखना होगा कि अब किस प्रकार जो है वो अपना क्रिकेटिंग करियर आगे लेके जाते हैं, क्योंकि 38 साल की उम्र में अमेरिका में जाके खेलना, क्योंकि एक कूलिंग ऑफ पीरियड भी उनका रहेगा, पहले एक दो साल शायद वो उस तरीके से लार्जर रडार पर सामने ना आए, लेकिन ये दिखाता है कि कॉम्पिटिशन कितना है, कितने ज़्यादा कंपीट करने के लिए आपको खिलाड़ी कंपटीशन के तौर पे खेलते हुए मिलते हैं, परफॉर्मेंस आपको लगातार देनी होती है, और अगर आप उसमें विफल साबित हो रहे हैं, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट आपको लगातार नहीं मिल रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको टीम इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में आना। और यही कुछ विपुल शर्मा के साथ भी हुआ है और ये लगातार हो रहा है। विपुल शर्मा के अलावा हरमीत सिंह, जो कि टीम इंडिया के लिए 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के सदस्य थे, ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर वो थे, और उनके साथ भी हमने बातचीत करी थी, इंटरव्यू किया था, तो वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनकी क्या वजहें थी, क्यों उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया, यूएसए में फ़िलहाल वो भी हैं और विपुल शर्मा भी बिल्कुल उसी पर्टिकुलर ट्रैक पर जा रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि विपुल शर्मा के लिए जो अब आगे का करियर है, क्रिकेटिंग जर्नी है, वो उन्हें इंडियन क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिए है, अब वो बाहर जाके खेलने वाले हैं, तो बीसीसीआई के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो जाता है, प्लस अगर मैं बात करूँ बाहर की लीग्स की, तो उसके लिए वो ज़रूर अवेलेबल हो चुके हैं। हमने देखा था कि उन्मुख चंद रिसेंटली आपको बीबीएल में खेलते हुए नजर आए थे, तो अब आपको विपुल शर्मा भी एलिजिबल होते हुए नजर आएंगे इन लीग्स में खेलते हुए। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक खिलाड़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, उनको मिल जाते हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट के लिए ये कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि घाटा है, क्योंकि आप चाहोगे कि यार जो खिलाड़ी जिसने इतना कुछ जो है टीम के लिए किया या फिर इन द सेंस अपनी स्टेट टीम के लिए किया, वो कहीं ना कहीं इंडियन टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में होता है। लेकिन ठीक है, एक हर खिलाड़ी की अपनी सोच है, अपना एक जर्नी है, तो उसको जीने के लिए अब विपुल शर्मा ने अपनी गाड़ी जो है वो यूएसए की तरफ रुख कर लिया है। तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस विपुल शर्मा का रहता है। आपका क्या कहना है विपुल शर्मा को लेके, और ये जो पूरा मुद्दा निकल के आया है कि इंडियन क्रिकेटर्स अब बाहर खेलने जा रहे हैं, इसको लेके आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, शेयर भी इसे ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।